लोकेश और आजाद तीन अनुपात दो के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने क्रमशः 50,000 और 30,000 रुपये लगाए हैं। पूंजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है तथा आजाद को 2,500 रुपये वेतन। इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्ष 2002 में आजाद का वेतन निकालने के बाद लाभ की रकम 12,500 रुपये बनती है। फिर से एक बार बता रहा हूं, वर्ष 2002 में आजाद का वेतन निकालने के बाद लाभ की रकम 12,500 बनती है। उसमें लाभ की राशि का 5% भाग कमीशन के रूप में मैनेजर को दे है। लाभ की राशि कितनी थी? 12,500 रुपए हमको लाभ दिया है, लेकिन लाभ की राशि कितनी थी टोटल? पहले वेतन देने के पहले का जो लाभ होता है उसको बोलते हैं लाभ की राशि। ठीक है, मतलब है हमारा लाभ कितना था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी देने के बाद 12,500 रुपए था। अगर इसी को मैं लिखूं बिफोर सैलरी सैलरी देने के पहले, तो 12,500 रुपए प्लस 2,500 रुपए सैलरी, कितना था लाभ की रकम? 15,000 रुपए। लाभ की रकम कितना हो गया? 15,000 रुपए हमारी लाभ की रकम है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये लाभ की रकम क्यों निकाले? क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, मैनेजर को 5% कमीशन कितने देना है? लाभ की राशि पर। इस राशि पर बोलता तो 12,500 रुपए निकालते, पर लाभ की राशि बोला तो लाभ की राशि पहले कितनी थी? पहले 15,000 थी, 2,500 देने के बाद कितना बचा? 12,500 रुपए बचा था। ठीक है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है लोकेश और आजाद, ठीक है। पूंजी कितना है इसका? 50,000। पार्षद कितना है? 30,000 है ना। एक बार चेक कर लो आप लोग, 50,000 और 30,000, पूंजी पर कितना ब्याज देना है? 6%, 6/100, 6/100। थोड़ा दिमाग अपना यूज करना, बिजनेस के हिसाब से इसको लगाओ, जितना आप यूज करो उतना अच्छा है। ये मैथ्स नहीं है जहां पे आप यूज नहीं कर सकते, माइंड रीजन नहीं बना सकते, कारण नहीं बनता वहां पे मैथ्स में, पर आपका अकाउंट में कारण बनता है। ठीक है, तो 6% है, 50,000 पूंजी लगाते उसका 6%, ये 50,000 कहीं बैंक में लगाते तो ब्याज मिलता, मान के चलो पार्टनर सिर्फ बिजनेस में लगाए तो पूंजी पर ब्याज मिल रहा है। 200 हो गया, 6×5=30, 2020 घटा 200 दिया 18, 4,800 रुपए। आजाद का वेतन कितना है? 2,500 रुपए। आजाद का वेतन मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे 2,500 जोड़ा हूं। अगर मैं यहाँ पे 12,500 का, तो आजाद को सैलरी नहीं देता क्योंकि ऑलरेडी दे चुके हैं ये मानते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें भी सेम ऐसे ही था, है ना। वो क्वेश्चन नंबर क्या है मैं आप लोग को बता देता हूं। मैं अरविंद और बनवारी वाला में हम लोग यहाँ पे 800 रुपए लिखे थे, तो यहाँ पे इसको सैलरी नहीं दिए थे क्योंकि सैलरी देने के बाद 800 था, तो सैलरी हम लोग नहीं दिए थे। वैसे यहाँ पे अगर मैं 12,500 रुपए लिखूं तो यहाँ पे सैलरी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि सैलरी देने के बाद प्रॉफिट बचा है। पर मैं यहाँ क्या लिखा, 15,000, सैलरी देने के पहले का था 15,000, तो सैलरी देंगे यहाँ पे 2 सैलरी ब्रैकेट में अजान, 2,500 रुपए वार्षिक। ठीक है, फिर मैनेजर को कमीशन देना है, कौन सी राशि पर बोला है? लाभ की राशि पर, इसीलिए इस राशि पर निकाल दे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता है इस राशि पर बोलता तो 12,500 पे निकाल दे। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में इस राशि पर बोले ना इस राशि पर, तो इस पे निकालते, पर लाभ की राशि बोले तो किस पे निकालेंगे? 15,000 पे। ठीक है, तो कमीशन इसको मिला मैनेजर को, लाभ की राशि 15,000, 15,000 का कितना प्रतिशत बोले क्वेश्चन में देखो? 5%, तो 5/100,
2 0 2 0 15 75 750। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसको क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। ठीक है, अनुपात कर दिए लोग 3:2, 3:2 में बांट देंगे। इससे पहले हम लोग टोटल करते चलो, इस साइड का टोटल 15,000 आया, इस साइड का टोटल 15,000, इस साइड का टोटल कर लेते हैं 2 0 2 0 50, 8 और 7 15, 5 और 5 हो गया 2,000, 2 हो गया 8,000, घटाओगे तो 6,950 रुपये, 6,950 रुपये बचा। उसको दोनों पार्टनर में 3:2 में बांट देंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लोकेश 1,000, 6,950 का 3/5, 3:2 है तो 3/2 5 होता है, 3/2 5, 3/5 2/5, इसको आप 5 से भागे दो और 2 से गुणा कर दो तो इसका आंसर आएगा, 3 से गुणा कर दो इसका आंसर आएगा। दोनों के बटे में 5 दिख रहा है, चलो 5 से भागे दे, 6,950 को मैं 5 से भागे दे, 5 एकम 5 बचा पे 1 और 9 19, 8 15 बचा यहाँ पे 4 4 और 5, 5 नियम 45 और 0 का 0 इतना आया। इसी को मैं 2 से गुणा करूँगा तो 0 का 0, 9 2 18 का 8, 3 2 26 27। ठीक है, इसी का 3 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, 9 3 27 का 7, 8 2 13 2 48 का 2, 41। चेक करते क्या दोनों के इतना ही आएगा, चेक करें 0 को 0, 7 8 15 का 5, 8 1, 1 और 1 2 और 7 हो गए 9, 4 2 6 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हमको बोला है साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए, साझेदारों का पूंजी खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर्स उतना अकाउंट बनता है, पार्टिकुलर लोकेश आजाद पार्टिकुलर्स लोकेश आजाद, ठीक है, लोकेश और आजाद। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे, सबसे पहले यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिखेंगे, हमको पता है बैलेंस किस चीज का, बैलेंस जिसका अकाउंट बन रहा है, क्या बन रहा है आपका अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था 15,000, यहां पे आ जाएगा आपका 50,000 लोकेश का कैपिटल था, 30,000 रुपए आजाद का था। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आरएन दिया है ड्रॉइंग तो ड्रॉइंग को डेबिट साइड लिखते हैं, क्या क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, क्या लिखेंगे इधर, सबसे पहले इधर कैपिटल लिखेंगे और इधर ड्रॉइंग को लिख देंगे, पर क्वेश्चन में नहीं दिया तो नहीं लिखे। इसके बाद जो भी पार्टनर को इधर बटा है सबको इधर बांट दो, जैसे इधर 2 इंटरेस्ट कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,1800, टू सैलरी बाय सैलरी इसको आजाद को, लोकेश को तो नहीं मिला है इसलिए आजाद के में 2,500 लोकेश के में डेट, 2 कमीशन तो बाय कमीशन नहीं लेंगे क्योंकि मैनेजर है, मैनेजर लोकेश और आजाद नहीं है। फिर जब 2 पार्टनर कैपिटल, 2 पार्टनर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर कैपिटल तो पार्टनर कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 4,170, 2,780। इधर कुछ भी नहीं आया डेबिट साइड में, सारा चीज क्रेडिट साइड में आया है,
तो चलो प्लस माइनस कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ताकि दोनों साइड क्या जाए बराबर आ जाए। ठीक है, ब्रॉड डाउन से स्टार्ट किया थे, लास्ट में आता इधर कैरी डाउन। चलो इधर मैं टोटल करता हूं, 50 3 हो गया 57,117। इस साइड का आ रहा है, अगर मैं इस साइड लिखूं 57,170 तो मेरे दोनों साइड का टोटल क्या जाएगा बराबर आ जाएगा। फिर इसका टोटल करके यहां यहां पे आप लोग लिख लेना। ठीक है, बन जाएगा ये कंप्लीट।